आप सभी को प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स से अवगत करवाना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में योगा का बिजनेस टॉप 10 जॉब्स में आता है। योगा टॉप 10 जॉब्स में आती है, पॉपुलर जॉब्स में। पूरे वर्ल्ड में $80 बिलियन से भी ज़्यादा इंडस्ट्री बन चुकी है केवल योग की। और अगर हम हिंदुस्तान की यानी इंडिया की बात करें तो 8,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री अभी तक एस्टैब्लिश हो चुकी है। वो लोग हैं जो इतने रुपए कमा रहे हैं केवल योग से, वो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या वो लोग फुल टाइम योगा इंस्ट्रक्टर्स हों या किसी मैट को बेचकर या कोई प्रॉप्स को बेचकर योगा में पैसे कमाते हों। योगा की इंडस्ट्री है सारी। इस वीडियो में मैं यही सारी बातें कवर करूँगा कि आप योग में किस प्रकार से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप योग को अपने जीवन में उतार के अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और साथ ही अच्छे सोर्स ऑफ इनकम स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, योग में पैसे कमाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि योग को अपने जीवन में क्यों उतारें या योग को एज ए करियर क्यों चुने, एज अ प्रोफेशन क्यों चुने। पहली बात तो इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर आपको एक योगा स्टूडियो खोलना है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं एक ऑनलाइन तरीके से। चाहो तो फ़ोन से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, एक माइक से कर सकते हैं और आपका काम स्टार्ट। दूसरा तरीका है, या आप कोई गार्डन में क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। तीसरा तरीका है, आप कोई हॉल रेंट पर ले सकते हैं और वहाँ पर योगा करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हैं छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम्स जिनसे कि आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, छोटे छोटे तरीके जिनसे आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि योगा जो है वो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपको एक योगा का काम है, आप एक योगा टीचर हैं और आपको उसके अंदर जॉब करनी है, आपको उसके अंदर अपना काम स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया योगा करती कब है, सुबह या शाम को। तो जो बीच का टाइम है, मतलब सुबह 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से बाद में, 6 बजे से 8 बजे तक लगा सकते हो, 8:30-9 बजे तक लगा सकते हो, इसके बाद कोई योगा नहीं करता, ज़्यादातर लोग नहीं करते। कुछ सिटीज़ की अगर हम एक्सेप्शंस करें तो वो बात अलग है। इसके अलावा जो बीच का टाइम है सुबह 9 बजे के बाद से शाम को 6 बजे से पहले तक का, उसमें आप कोई भी अपना मेन काम कर सकते हैं, कोई भी आप जॉब कर सकते हैं जो आपका मन करे, जिस भी फील्ड में आपने स्टडीज़ करी है उस फील्ड में। थर्ड पॉइंट, इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जो नॉलेज है वो बहुत बहुत सस्ते रेट्स में मिलती है। सस्ते रेट्स में मिलने का मतलब क्या है, अगर आप एक डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहें या आप एक इंजीनियर बनना चाहें या आप IIM से MBA करना चाहें तो बहुत पैसे लग जाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम की भी बहुत ज़्यादा है और आपकी इन्वेस्टमेंट पैसों की भी बहुत ज़्यादा है, और फिर भी ये पक्का नहीं होता कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। एक डॉक्टर के प्रोफेशन में जाने के लिए लाखों करोड़ रुपए लग जाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5-6 साल लग जाते हैं, ट्यूशंस की फ़ीस वगैरह सब अलग। बट एक योगा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा योगा टीचर बनने के लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि दो मतलब हैं, एक आप चाहे तो 1 महीने का कोर्स करके योगा सेंटर खोल सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो उम्र भर योग को सीख सकते हैं। जितना भी समय डालेंगे इसमें उतना कम है, पर यह एक फ़ायदा भी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को उतना ज़्यादा ग्रूम करते चले जाएंगे, आप अपने स्किल्स को उतना ज़्यादा इन्हेंस करते चले जाएंगे, आपके दिमाग की स्टेबिलिटी, आपके शरीर की स्टेबिलिटी, आप कभी भी हॉस्पिटल्स में पैसा खर्च नहीं करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर। ये सारे फायदे हैं इसके। और दूसरी बात कि योगा के कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं 15,000, 10,000, 5,000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख तक। इतने रुपए में आप एक अच्छे योगा इंस्टीट्यूट से अपना योगा का काम शुरू कर सकते हैं। आते हैं वापस मुद्दे की बात पर, टॉपिक पर, कि आपको योगा
का जो प्रोफेशन है उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ तरीके पहले ही डिस्क्लोज किए, एक तरीका है जो मैं लास्ट में डिस्क्लोज करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा खुल के। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ तरीके डिस्क्लोज किए, पहला तरीका है उसमें से आप अपना योगा सेंटर खोल सकते हैं। योगा सेंटर खोलने के लिए आपको एक जगह चाहिए होगी और एक अच्छे स्किल्स चाहिए होंगे आपके अंदर, उससे आप एक अच्छा योगा स्टूडियो चला सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। कोविड से पहले की अगर बात करें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, बट आज के टाइम पर सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आप एक अपना ऑनलाइन स्टूडियो भी खोल सकते हैं, वो बिल्कुल ही फ्री होगा। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप एक योगा टीचर हैं और आप पार्ट टाइम योगा ट्रेनिंग देते हैं, आप पार्ट टाइम लोगों को योगा करवाते हैं, चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे वो शाम को टाइम हो। दो तरीके मैंने बताए। तीसरा है लोगों को पर्सनल क्लासेस देकर। जी हाँ, आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं पर्सनल क्लासेस लेना, उसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं और लोगों को अटेंशन चाहिए, लोगों को अच्छी नॉलेज चाहिए, लोगों को चाहिए कि कोई हम पे ध्यान दे, अटेंशन चाहिए। तो उसी चीज़ का हम लाभ उठाते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी नॉलेज है, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, हमने अच्छे से योग को अपने अंदर अपने जीवन में उतारा है, इसी वजह से हम दूसरों को भी ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे, दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे से उनका जीवन परिवर्तन करने में मदद कर पाएंगे। तो ये तीसरा तरीका था, कौन सा? पर्सनल क्लासेस देने का। इसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि आपने एक योगा स्कूल खोल दिया, योगा स्कूल खोलने के बाद आप लोगों को योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवा सकते हो। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाने के लिए आपको दो तीन लोग हैं, दो तीन एक तरह से कहिए कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं और एलिजिबिलिटी देते हैं कि आप एक योगा सेंटर और एक योगा स्कूल खोलिए, जिसमें से एक दो के नाम मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया में बात करें तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, वो आपको अथॉरिटी देता है कि आप एक अच्छा PRCB सेंटर अपने इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं और वहाँ से आप योगा के एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं। दूसरा है कि आप योगा अलाइंस जो USA का है उसके थ्रू आप एफिलिएशन ले सकते हैं। दोनों के एफिलिएशन लेने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, टाइम जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता है, बट ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि आप एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं योगा के फील्ड में। तो ये सारे मैंने आपको बताए कुछ तरीके जिनसे आपकी योगा में पैसे कमा सकते हैं। एक और तरीका है इन्फ्लुएंसर बन के। इन्फ्लुएंसर बना कैसे जाता है पहले वो समझिए। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, आप जैसे मुझे वीडियो में देख रहे होंगे, तो मैं अपनी प्रेजेंस शो कर रहा हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पर या कहीं भी आप ये वीडियो आप तक पहुँच रहा होगा, तो वहाँ से मैं अपनी प्रेजेंस शो कर रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंस शो करी तो आप के मन में मेरे प्रति कुछ ना कुछ छवि ज़रूर आई होगी, या मैं आपके मन में एक प्रिंट हो गया होगा एक तरह से कि भाई ये व्यक्ति ठीक कर रहा है, इसकी बात मानते हैं। उसी को इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि आप अपने आपको एक इन्फ्लुएंसर की तरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि लोग आप तक अप्रोच करें कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, उसको आप बाय करवा दीजिए लोगों से। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर बनकर किसी भी चीज़ को ट्रेड करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम्स पे फॉलोवर्स वगैरह बढ़ने स्टार्ट होंगे, फेसबुक पे फॉलोवर्स बढ़ने वगैरह स्टार्ट होंगे, तो उसमें क्या होगा, लोग आपको अपने आप अप्रोच करेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी से रिलेटेड, वो आप ब्रांड एम्बेसडरिंग कर दीजिए, कुछ हमारे योगा के मैट्स हैं उसको आप ब्रांड एम्बेसडरिंग कर दीजिए, इस तरीके से होता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। इसके बाद आप एक अपना रिट्रीट सेंटर खोल सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगती है, उसमें ऐसा समझिए कि आपका पैसा काफ़ी लगेगा बट अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ऋषिकेश साइड में आप खोल सकते हैं या हिली एरियाज़ में खोल सकते हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो और वो एक टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि वेबिनार्स वगैरह से रिलेटेड हो, सेमिनार्स वगैरह ले सकते हैं आप। किसी भी योगा की एक फील्ड को उठा सकते हैं, जैसे प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा होता है, या योगा फॉर सर्वाइकल रीजन, योगा फॉर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके के आप कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। फिर आप अपने पार्क्स में
आसपास के लोगों में अपना एक रुतबा लगा सकते हैं। रुतबा से मतलब होता है कि आप अपना एक पहचान बना सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैंने ये की, ये मैंने अचीव किया। अपनी जर्नी को आप पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग्स के माध्यम से या अपनी एक बुक प्रिंट करके। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप एक बुक भी लिख सकते हैं योगा में ही, और वो आप बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एक वन ऑफ द पब्लिकेशंस का नाम मैं बता देता हूँ आपको, एक है ब्लू रोज पब्लिकेशन, वो एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज करती है और आपकी बुक भी पब्लिश कर देगी। तो ये बहुत सारे तरीके जैसे मैंने अब बताया आपको, इसके अंदर जॉब्स वगैरह का मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर वो भी इंक्लूड करते हैं तो आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, किसी हेल्थ सेंटर में जॉब पा सकते हैं प्राइवेट की बात करें तो, गवर्नमेंट में बात करें तो किसी स्कूल में, किसी स्टेडियम में या किसी कॉलेज में आप एज ए योगा टीचर भी जा सकते हैं, योगा कोच भी जा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना योग में पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। तो एक जो लास्ट वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताना चाहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं, अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुकते हैं तो मैं बताता हूँ एडिशनल पॉइंट, वो ये है कि हम लोग भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं। हम लोग मतलब स्माजक योगा स्कूल भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करवाता है और आपको एक अच्छे योगा टीचर बनाता है। आप चाहो तो फुल टाइम हमें ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो पार्ट टाइम हमें ज्वाइन कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और उसका हम आपको पे करते हैं। बदले में हम आपसे केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी भविष्य में आपसे जुड़ेंगे, आप किसी बच्चे को प्योर नॉलेज के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बदले में हम केवल यही चीज़ चाहते हैं आपसे। इससे रिलेटेड ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए हो तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके नीचे मेंशन हो रहे हैं। हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से फर्दर डिटेल्स वगैरह या ब्रोशर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड, योगा में इनकम से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।